हेलो गाइस, वेलकम टू ऑर्डर रिव्यूज एंड आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है 2023 हीरो वीडा V1 प्रो एंड आज हम लोग इस स्कूटर का फुल रिव्यू आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम है अरुण सल्दल और आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हियर इज द स्कूटर, दिस इज द हीरो वीडा V1 प्रो। इस स्कूटर में सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस स्कूटर में आपको दो वेरिएंट आता है, एक है वीडा प्लस और दूसरा है प्रो। ये जो वेरिएंट ये प्रो है इसमें आपको रेंज वगैरह है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले अगर आप लोग बात करेंगे स्कूटर के डिज़ाइन के बारे में तो डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक फ्यूचरिस्टिक से डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब दूसरे स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक यूनिक से डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रंट से शुरू करते हैं, फ्रंट में यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे दिया गया है। हेडलैम्प्स का जो डिज़ाइन है मतलब स्टाइल है ये थोड़ा सा मतलब यूनिक है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी है। और उसके साथ अगर आप लोग इस स्कूटर को रात में चलाएंगे तो ये हेडलैम्प्स आपको एक बेटर विजिबिलिटी देगा फॉर श्योर। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ऊपर में आपको नंबर प्लेट का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वीडा की बैजिंग देखने को मिलता है, मतलब कि आप लोग देख सकते हो VIDA आपको एक ही जगह पे दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़े से कट्स देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वाइजर देखने को मिलता है कटआउट के साथ। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा कटआउट देखने को मिलता है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी दिख रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा साइड पे देखेंगे तो साइड पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। LED इंडिकेटर्स इस स्कूटर में ऑफर किया गया, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे आपको मिरर्स मिलता है, ब्लैक कलर के बेसिक मिरर्स से दिया गया लेकिन थोड़ा सा पार्ट आपको फाइबर का मिलता है, थोड़ा सा आपको ग्लॉस फिनिश का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको फेंडर वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। फेंडर की बात करेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है फाइबर का मिलता है। और साथ में फ्रंट टायर की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको MRF जैपर का टायर दिया गया है, 90x90 12 इंच का टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर विद 10 स्पोक अलॉय। एंड सामने देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, यहाँ पे वाइब्री का ब्रेक दिया गया आप लोग क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे आपका फ्रंट सस्पेंशन मिलता है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा साइड पे देखेंगे तो साइड से भी स्कूटर को एक काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एक स्टाइलिश लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कूल से डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे स्कूटर के कलर ऑप्शन के बारे में, तो कलर ऑप्शन आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये स्कूटर कौन कौन से कलर में अवेलेबल है। एंड उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे स्कूटर के डायमेंशंस के बारे में तो डायमेंशंस पे आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे ही आप लोग साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पैर रखने के लिए जगह दिया गया, जगह डिसेंट स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके साथ यहाँ पे आपको एक शॉपिंग हुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्कूटर का जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो देख सकते हो कि इसको ओपन करके आप स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। एंड थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ऊपर में आपको एक USB फास्ट चार्जिंग दिया गया, USB पोर्ट, तो फास्ट चार्जिंग पोर्ट आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर में यहाँ पे आपको एक वीडा की बैजिंग एंड नीचे यहाँ पे दो बटन दिया गया। बेसिकली ये वाला बटन जो है ये स्कूटर को स्टार्ट करने मतलब कि स्टार्ट स्टॉप का बटन जो गाड़ियों में आता है उसी तरह का एक स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिलता है। और ये वाला बटन जो है ये बेसिकली सीट ओपन करने के लिए ये वाला बटन देखने को मिलता है। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे तो ये इसका सीट है, इसको ब्लैक कलर का सीट देखने को मिलता है एंड यहाँ पे सीट के बीच में कटआउट देखने को मिल जाएगा। सीटिंग कम्फर्ट की बात करें सीटिंग कम्फर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है दोस्तों, चाहे आप राइडर की बात करो या फिर पिलेंट से, दोनों सीट से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि आपको लॉन्ग ट्रिप से ये आसानी से थकावट नहीं आएगी। एंड उसके बाद अगर मैं इस सीट को खोल के दिखाऊंगा, सो गाइज अभी यहाँ पे सीट ओपन हो गया है, आप लोग देख सकते हो क्लियरली। एंड उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक हाफ फेस हेलमेट बैठ जाएगा, उतना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे दिया गया है। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट एंड टूल किट वगैरह थोड़ा सा देखने को मिलता है। ये स्कूटर का चार्जर है बेसिकली। एंड अभी इसको हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे और जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगा। एंड साथ में इसके नीचे आपको दो बैटरी देखने को मिलता है, तो बैटरी को मैं आपको दिखाऊंगा तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एक चाबी मिलता है, तो आप सिर्फ चाबी को सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करके इसको थोड़ा सा प्रेस करके आप इसे खोल सकते हो। आप ये देख सकते हो कि ये स्कूटर का दो बैटरी पैक है, ये इजीली मतलब
रिमूवेबल बैटरी है, तो आप लोग इसे घर पे भी बैठा कर चार्ज कर सकते हो। दोनों बैटरी आपको आसानी से रिमूवेबल बैटरी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे कर देते हैं इसको बंद, तो वो मैंने अभी बंद कर दिया है। एंड अभी फ़िलहाल यहाँ पे और कुछ दिखाने को नहीं है, तो अभी हम लोग सिंपली इसके जो बूट स्पेस है मतलब कि सीट को हम लोग बंद कर देंगे। तो आप लोग सिंपली इसके सीट को ऐसा करके ये आप देख सकते हो कि इसका सीट पूरा बंद हो गया। तो यही था पूरा सीट एंड सीट के अंदर का जो स्पेस। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक V1 Pro की बैजिंग देखने को मिलता है। हाँ, ये इसका मोटर एंड उसके साथ यहाँ पे इसका रियर टायर देखने को मिलता है। रियर टायर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको MRF Zapper का टायर देखने को मिलता है। 80x100 12 इंच का ट्यूबलेस टायर विथ 10 स्पोक अलॉय व्हील, साथ में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। और उसके साथ जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेल लाइट्स देखने को मिलता है। टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स यहाँ पे ऑफर किया गया है। और उसके साथ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब जैसे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुट पेक्स देखने मिलता है, पिलियन फुट पेक्स यहाँ पे दिया गया है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये इसका डबल स्टैंड और उसके साथ यहाँ पे आपको सिंगल स्टैंड का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे हैंडल बार्स के बारे में, तो हैंडल बार्स यहाँ पे देख सकते हो। हैंडल बार्स का जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच गेट्स की बात करूँगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये स्कूटर को चालू करना पड़ेगा। चालू हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो बटन है, इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्कूटर चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, टच डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया। दो बैटरी बैक मैंने आपको जैसा पहले बताया, तो इस वजह से दोनों बैटरी बैक का इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। आप इस स्कूटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आप लोग सिंपली ये वाला बटन जो है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्कूटर अभी चालू हो गया है। एंड जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करूँगा तो ये व्हील घूमना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो बैटरी रेंज, एक डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाएगा, रेंज दिखाएगा, यहाँ पे राइडिंग मोड्स दिया गया जिसे बेसिकली आप लोग टच से चेंज कर सकते हो। ये राइड मोड, ये स्पोर्ट मोड यहाँ पे दिया गया है। और देख सकते हो कि रेंज का डिफरेंस जो हो रहा है, तो इको पे आपको 43 दिखा रहा है, राइड पे आपको 32, रेंज थोड़ा सा घट जाता है। एंड स्पोर्ट मोड पे आपको सबसे ज़्यादा स्पोर्ट मोड पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम दिखाएगा 28, बिकॉज स्पोर्ट मोड में स्कूटर एक थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड के कंट्रोल्स में आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो। तो ट्रिप पे ट्रिप भी एवरेज स्पीड दिखाएगा, ओडोमीटर दिखाता है, नेविगेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया। स्विच गेट्स की क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट हैजल लाइट का बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का बटन दिया गया। तो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट साइड के इंडिकेटर्स मिलता है। और ये इसका हॉर्न को एक बार सुन लेते हैं, तो हॉर्न थोड़ा सा लाउड है लेकिन ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पास लाइट, लो बीम हाई बीम पास लाइट का बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके साथ राइट साइड पे देखेंगे तो राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको SOS का बटन दिया गया जो एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड एक सेफ्टी फीचर है। एंड यहाँ पे आपको किल स्विच का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग मोड चेंज कर सकते हो आप लोग इस बटन के थ्रू, तो ये वाला बटन प्रेस करके आप लोग मोड चेंज कर सकते हो, जिसे आप टच में भी चेंज कर सकते हो। एंड साथ में जैसे ही आप लोग सेटिंग पे जाते हो तो सेटिंग में यहाँ पे आपको डिस्प्ले कनेक्ट माई स्क्रो डॉक्यूमेंट्स अबाउट ये सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस भी आप लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो या फिर ऑटो में भी रख सकते हो। यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखाएगा। कनेक्ट में जाएंगे तो कनेक्ट पे आपको ये सब कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पे माई स्कूटर पे जाते हो तो माई स्कूटर पे आपको ये सब सारा कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे तो बाकी बातें हो गए, इसका तो एग्जॉस्ट तो नहीं है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एंड यही था इस वीडा V1 Pro की रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको स्कूटर कैसा लगा, और अगर आपको स्कूटर से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो, हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं फिर से आज नई वीडियो के साथ। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।